पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियां, मुस्बत केसेस की शरह 6.30% हो गई। वबा से मजीद 40 अफराद जान से चले गए। अमवात की तादाद 22,928 हो गई। कराची में भारतीय कस्म मुस्बत आने की शरह 100%। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के इंचार्ज डॉक्टर इकबाल चौधरी के मुताबिक 80 नमूनों की जीनोटाइपिंग की गई, तमाम केस डेल्टा वेरियंट निकले। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जारी, रात गए तक मेहमानों की आमद जारी रही। खास और चटखारेदार पकवान से सजे खुशबू उड़ाते दस्तरखान। बारबेक्यू का भी सीन ऑन, बिरयानी पुलाव कोरमा निहारी और रोगनी नान के साथ मेहमानों ने खूब इंसाफ किया। साबिक सफीर की बेटी के कत्ल का मुकदमा थाना कोहसार में दर्ज। FIR के मुताबिक 19 जुलाई को नूर मुकदम फैमिली के गैर मौजूदगी में घर से निकली, एक दो दिन में वापस आने का कहा। रात को थाना कोहसार से कॉल आई कि उसका कत्ल हो गया, बेटी का गला कटा हुआ था। मुलजिम जाहिर जाफर से फैमिली तर्ज की जान पहचान थी। मुलजिम 3 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। आर्मी चीफ ने ईद जिला कुरम के पाक अफगान बॉर्डर पर तैनात फौजी दस्तों के साथ मनाई। ईद की मुबारकबाद दी, मादर वतन के दिफा के लिए गैर मुतजल्जल अजम को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा का फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार, कहा हर कीमत पर पाकिस्तान के दिफा के लिए हमेशा तैयार है। चीनी सफीर की लाल हवेली आमद, वजीर दाखिला शेख रशीद से मुलाकात। पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, ईद की मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, पाकिस्तान चीन ताल्लुकात में कोई ताकत रुकावट नहीं बन सकती। वजीर दाखिला और चीनी सफीर का दासू वाकई की तहकीकात को जल्द से जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। कराची सी व्यू के करीब बहरी जहाज रेत में फंस गया। कंटेनर से लदा जहाज साहिल पर कई घंटे से रुका हुआ है। जहाज रेस्क्यू करने के लिए पाक बहरिया और KPT की टीम्स मुतहरिक। तर्जुमान KPT के मुताबिक इंजन बड़ा ना होने के बायस जहाज साहिल के करीब आ गया। पैनमा की शिपिंग कंपनी की मिल्कियत है जो बड़े बहरी जहाज़ों को ईंधन और दीगर साजो सामान सप्लाई करता है। सखर में रात भर होने वाली बारिश ने जल थल एक कर दिया। मुतादित इलाकों में बारिश का पानी जमा, मरियम कॉलोनी में कई मकानात की दीवारें गिर गईं। खातून जांबहक 7 अफराद जख्मी। बारिश और तेज हवाओं से तार टूट गए। मुतादित इलाकों में बिजली की फराहमी मौत पर।